102 एम्बुलेंस की व्यवस्था राम भरोसे। गंभीर मरीज को ले जाने आई 102 एम्बुलेंस का मॉनिटर हुआ फेल, काफी देर नहीं हुआ चालू, नहीं लग सकी मरीज को ऑक्सीजन और पल्स मीटर। एम्बुलेंस चालक और परिचालक लगाते रहे दिमाग, मरीज यूं ही तड़पता रहा। करीब 20 से 25 मिनट बाद कर सके उसे चालू। राम भरोसे हैं 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे सही होंगे, मरीज कैसे पहुंचेंगे समय पर अस्पताल। सरकारी ट्रामा सेंटर से ले जा रहे था मरीज को आगरा। मामला फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर का है, जहां एक युवक उपचार के लिए आया जो कि ओवरब्रिज से नीचे कूद गया था, जिसे पुलिस कर्मी सरकारी ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए ले आए। हालत गंभीर होने की वजह से वहां के डॉक्टर ने उसे आगरा रेफर कर दिया। उस ले जाने के लिए 102 एम्बुलेंस UP32BG8154 नंबर की एम्बुलेंस आई। मरीज को तो उन्होंने एम्बुलेंस में रख लिया, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर लगा ऑक्सीजन पल्स ब्लड प्रेशर लगाने वाला मॉनिटर चालू ही नहीं हुआ। एम्बुलेंस का चालक और परिचालक दोनों उसमें करीब 20 मिनट दिमाग लगाते रहे, बड़ी मुश्किल से उसे चालू कर पाए। तब तक 20 से 25 मिनट गंभीर मरीज यूं ही डरता रहा। जब इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर नहीं बोले और मरीज को लेकर चले गए। अगर ऐसे ही सही समय पर उपचार नहीं मिलेगा और 102 में व्यवस्था खराब रहेगी तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है।